नमस्कार, इसराइल के युद्ध क्षेत्र से पब्लिक इंटरेस्ट के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। इसराइल ने हमास पर हमले तेज कर दिए हैं। हमास के गाजा में एक बड़े कमांडर को मार गिराया है। साथ ही इसराइल ने यह दावा भी किया है कि गाजा के अंदर मौजूद हमास की कई टनल नष्ट कर दी गई हैं। इसराइल एक तीर से तीन निशाने करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे पश्चिमी देशों का सपोर्ट चाहिए। इसराइल का एक्सेस ऑफ इविल प्लान क्या है, कॉलिंग कार्ड में बताएंगे। कुछ देर पहले मैं इसराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर था। शरणार्थी संकट के बीच वहां हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए गया था। क्या गाजा पट्टी के लोगों के लिए इजिप्ट अपने दरवाजे खोलेगा? लोगों को रसद कैसे मिलेगी? आज बॉर्डर से एक्सक्लूसिव पड़ताल इसी पर करनी है। ईरान अब इसराइल के टोटल बायकॉट का ऐलान कर चुका है। तेल की धार हो या फिर एम्बेसी का द्वार, इसराइल का हुक्का पानी बंद करने पर अड़ गया है ईरान। मुस्लिम वर्ल्ड अब क्या करेगा और अमेरिका उसे काउंटर कैसे करेगा? तेल की जंग का असर आप पर क्या होने वाला है, सिग्नेचर स्टोरी इसी पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब इसराइल में थे, तब पुतिन ने चीन की जमीन से अमेरिका को चेतावनी दी। कहा क्या? कहा कि अमेरिका के युद्धपोत रूसी सुपरसोनिक मिसाइल के रडार पर है। अचानक ये बयान क्यों आया और रूस की प्लानिंग क्या है, आज फैक्ट फाइंडिंग में तथ्य और सत्य जानेंगे। गाजा पट्टी में राहत पहुंचाए जाने को लेकर सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है और एकमात्र बॉर्डर नजर आ रहा है जहां से इजराइल राहत सामग्री अंदर प्रवेश करने की इजाजत दे सकता है, वो है सिर्फ इजिप्ट का बॉर्डर। इस वक्त हम खड़े हैं इजिप्ट और इजराइल के उसी बॉर्डर पर, जिसमें एक तरफ जहां हम खड़े हैं यहां इजराइल है और दूसरी तरफ इजिप्ट है, लेकिन यहां फिलहाल रसद और राहत सामग्री के किसी भी आसपास के इलाके में हमें नामो निशान नजर नहीं आए। हम तेल अवीव से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद यहां पहुंचे हैं और ये बॉर्डर इसलिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि जब से 1973 में खाड़ी देशों और इसराइल के बीच में युद्ध हुए थे, तब से इन बॉर्डर्स की काफी अहमियत है। हालांकि इजिप्ट एकमात्र वो बॉर्डर माना जा रहा है जो गाजा पट्टी तक राहत पहुंचाने के लिए सहमत हुआ है, लेकिन यहां इस चीज का जायजा लेने के लिए कि क्या वाकई ही वो राहत सामग्री या फिर कोई रिलीफ जो कि पश्चिमी देशों से भी हो सकती है या फिर उन मुल्कों से हो सकती है जहां IOC यानी मुस्लिम देशों के संगठनों का प्रभाव है, क्या उनकी कोई इस तरह की मदद यहां पहुंची है, तो फिलहाल हमें उस तरह की यहां पर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक मौका मिला है आपको इसराइल और इजिप्ट के बॉर्डर को दिखाने का, तो ये बॉर्डर हम दिखा रहे हैं जो दूर तक फेंसिंग नजर आ रही है, ये सारी इस बॉर्डर में यानी इसराइल को और इजिप्ट को अलग अलग करती है। इस बॉर्डर पर कोई हलचल नहीं है, सैनिक जरूर हैं लेकिन हलचल कोई नहीं है। हालांकि इस तरफ भी काफी बड़ी संख्या में इसराइल की तरफ से सैनिक भेजे जा रहे हैं। रास्ते में हमने काफी गाड़ियां और गोला बारूद आते हुए देखा, सैनिकों की बीच बीच में छावनियां भी देखी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर कोई भी खाड़ी मुल्कों में या फिर अगर ईरान दबाव बनाता है तो आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब वर्ल्ड अगर अटैक करता है तो ये जो देश हैं, इजिप्ट हुआ, लेबनान हुआ, ईरान हुआ और साथ के साथ सीरिया हुआ, ये सब मुल्कों की तरफ से दिक्कत की जा सकती है इसराइल के लिए। तो इसीलिए ये बॉर्डर को देखना जरूरी है कि इसराइल के लिए ये बॉर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। यहां कोई एक्टिविटी ना हो, इसराइल के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना शुरू हो, कोई सैन्य कार्रवाई ना शुरू हो, इसको तमाम चीजों को देखते हुए हमने ये तय किया आज कि तेल अवीव से सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर पूरा इजिप्ट का बॉर्डर देखा जाए। तो आज इस बात के लिए हम यहां पहुंचकर ये देखना चाह रहे थे कि वाकई गाजा को मदद जाएगी। गाजा में हॉस्पिटल पे हमला हुआ और बताया जा रहा है कि जिस तरह से 13 दिन से लगातार इजरायली फोर्सेस अटैक कर रही हैं, उसके बाद गाजा में हालात बहुत खराब है। बहुत से लोगों की जान गई है जिन्हें खाने पीने रहने तमाम चीजों को लेकर दिक्कत हो रही है, और क्या अनाज की सप्लाई बाहर से नहीं गई तो किस तरह से आगे बढ़ पाएगा गाजा पट्टी का इलाका, वो 10 लाख की आबादी जिनके ऊपर इस टाइम एक एक दाने का, पीने का, खाने का, तमाम चीजों का संकट है। लेकिन जो इजिप्ट बॉर्डर पर हमने देखा, अभी राहत सामग्री का कोई भी यहां से ट्रक्स या कुछ भी शुरुआत नहीं है, लेकिन एक सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है और सन्नाटा है इसराइल की उस जंग का, जिस जंग के कारण
जिस जंग के कारण गाजा पट्टी के 10 लाख लोगों के न सिर्फ बेघर होने की बल्कि उनके अस्तित्व का भी सवाल खड़ा हो गया है। महिलाएं बच्चों समेत बहुत सी जाने जा चुकी हैं, लेकिन हमास के आतंकियों की एक करतूत ने किस तरह से इजराइल और आसपास के देशों में एक अनरेस्ट कर दिया है, एक तरह से संघर्ष और संकट खड़ा कर दिया है, ये तस्वीर इस बॉर्डर से साफ बयां की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा इन सब बॉर्डर्स की अहमियत पहली बार हुई है, ये 1992-93 में भी जब शांति स्थापना की कोशिश हुई थी तब भी इन बॉर्डर्स की अहमियत नजर आई थी, और जब 1948 से लेकर अब तक जितनी लड़ाई इजराइल की आसपास के मुल्कों के साथ रही है, चार चार पांच पांच मुल्कों ने इकट्ठे होकर लेबनान, सीरिया, मिस्र, इन तमाम देशों ने, ईरान, इन तमाम देशों ने जब जब जो बन पाया वो सब कुछ किया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इजराइल का भात भारी लग रहा है क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन उसको प्राप्त है। लेकिन गाजा पट्टी के हालात को लेकर चिंता हर तरफ है, पूरी दुनिया में है, विरोध प्रदर्शन सब जगह हो रहे हैं। साथ ही ईरान ने यह भी आह्वान किया है कि जिन भी देशों में इजराइल के राजदूत हैं या उनके एम्बेसीज हैं वहां पर उनको बर्खास्त किया जाए, और मुस्लिम संगठनों से जुड़े और अरब वर्ल्ड से जुड़े हुए देश इसके लिए आगे आए, इसराइल का विरोध करें। और बहुत सारी जगहों पर फिलिस्तीन के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। जब भी अरब वर्ल्ड के इन देशों से गाजा पट्टी के लोगों को शरण देने की बात होती है तो ये बॉर्डर हमेशा इस तरह से खामोश क्यों हो जाते हैं, बंद क्यों रह जाते हैं, इस बात को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं कि ईरान हो, सीरिया हो, मिस्र हो या फिर लेबनान हो, ये तमाम लोग वकालत तो करते हैं हमेशा, हमास की भी करते हैं और गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की भी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भी वहां के लोगों को, जो 10 लाख की आबादी वहां रह रही है और हाईली डेंसिटी के हिसाब से जो जितने भी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा गाजा पट्टी मानी जाती है, तो उन लोगों को ये लोग क्यों रहने की शरण नहीं देते, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन तमाम चीजों के बीच ये युद्ध अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल की तरफ से थोड़ी सी कार्रवाई स्लो जरूर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है, मगर मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये तूफान से पहले की शांति ना निकले। जो बाइडेन के दौरे के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जो बाइडेन ने यह साफ किया है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि अरब वर्ल्ड और पश्चिमी वर्ल्ड ये दोनों क्या मिलकर किसी बड़ी जंग की तरफ बढ़ेंगे या फिर कोई शांति का समझौते का प्रस्ताव निकल कर आएगा। इजराइल और हमास की जंग को देखकर लगता है कि दुनिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी है। इस बीच थोड़ी देर पहले ब्रिटिश मीडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई। कहा जा रहा है कि इजराइल पर एक और बड़ा हमला हो सकता है। यह हमला इस बार हमास नहीं बल्कि हिजबुल्ला कर सकता है। 5,000 आतंकियों का दस्ता तैयार है और इसे नाम दिया गया है डेथ स्क्वाड। हमले का इनपुट इजरायली फोर्सेस के पास भी है, इसीलिए एक दो नहीं तीन तीन मोर्चों पर तैयारी है। आखिरकार इजराइल का प्लान क्या है, कैसे इस चक्रव्यूह को भेदेगा इजराइल, क्या दुनिया में एक नए बैटल ग्राउंड का सीन तैयार हो चुका है। इजराइल मैदान जंग में है और हमास के खिलाफ पूरी ताकत से हवाई हमले कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा को निशाना बनाकर फिर बमबारी की, बताया कि हमास आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स हो या फिर सुरंग, इंटेलिजेंस ऑपरेशनल हेडक्वार्टर भी बर्बाद करने का दावा किया। लेकिन क्या यह हमला सिर्फ हमास तक सीमित रहने वाला है? क्या इजराइल हमास के साथ ईरान को भी टारगेट करेगा? क्या इजराइल की सेना हिजबुल्ला को भी हराने के लिए कमर कस चुकी है? सवालों का जवाब समझने से पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनिए जो उन्होंने अपनी वॉर कैबिनेट के सामने दिया। हमास are the new Nazis. Hamas is ISIS, in some instances worse than ISIS. And just as the world united to defeat the Nazis, just as the world united to defeat ISIS, the world has to stand united behind Israel to defeat Hamas. This is a part of an axis of evil, of Iran and Hezbollah and Hamas. बेंजामिन नेतन्याहू क्या करने वाले हैं, इसराइल का अगला बड़ा कदम क्या होगा, जवाब उनके बयान में ही छिपा है। यानी अब एक तीर से तीन निशाने लगाने की तैयारी।
अपने ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयरन के जरिए इसराइल 3 मोर्चों पर जंग लड़ सकता है। इसराइल का गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ 13 दिन से ऑपरेशन जारी है। फिलिस्तीन का दावा है कि इजरायली हमले में 3500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला और इसराइल में टकराव शुरू हो चुका है और ईरान भी अब इसराइल और अमेरिका के साथ आर पार के मूड में दिखाई देता है। मैं अमेरिका से कहना चाहता हूं, आज तुम फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट भेज रहे हो, उन्हीं लोगों के सामने तुम इसराइल को हथियार दे रहे हो। गाजा पर जो बम गिर रहे हैं वो तुम्हारे बनाए हुए हैं। ईरान के लोग और दुनिया की मुस्लिम बिरादरी ये चाहती है कि उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं, उसके राजदूत निकाले जाएं और एम्बेसी बंद कर दी जाएं। लेकिन ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसे रूस और चीन का सपोर्ट हासिल है। दूसरी ओर इसराइल के साथ अब अमेरिका के अलावा दूसरे पश्चिमी देश खड़े हैं। बाइडेन के इसराइल दौरे के 24 घंटे के अंदर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक तेल अवीव पहुंचे, नेतन्याहू से मुलाकात की, कहा दुख की इस घड़ी में ब्रिटेन इसराइल के साथ खड़ा है। We should call it what it is, an act of terrorism perpetrated by an evil terrorist organization, Hamas. That's what I believe, and that's what we will continue to say. And in that vein, we will stand with Israel. We will stand with you in solidarity with your people and your right to defend yourself, to bring security back to your country, to your people, to ensure the safe return of the hostages. कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया दो धड़ों में बटी थी, एक्सिस और एलाइड पावर्स। तब एक्सिस पावर्स के तौर पर जर्मनी, इटली और जापान थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनके खिलाफ ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ मिलकर लड़े थे। तब इसराइल अस्तित्व में नहीं था, मगर इस बार लगता है कि इसराइल, ब्रिटेन, अमेरिका एक तरफ है तो वहीं दूसरी ओर ईरान और उसके पैसों पर चलने वाले संगठन। और अगर ईरान के खिलाफ जंग छिड़ी तो फिर रूस पीछे नहीं रहेगा। ऐसे में महायुद्ध की नई स्क्रिप्ट तैयार हो सकती है। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है। दो दिन पहले मैंने आपको फास्फोरस बम के बारे में बताया था। वॉर में इस बम के इस्तेमाल करने पर पाबंदी है, लेकिन हमास ने इल्जाम लगाया था कि इसराइल फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। अब बात स्मार्ट बम पर आ गई है। आखिर यह स्मार्ट बम है क्या, किसने इस्तेमाल किया और क्यों इस बम को इतना खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है, एक पूरा एक्सप्लेनर देख लीजिए। गाजा के अल अहली अस्पताल पर जो धमाका हुआ, क्या वो स्मार्ट बम था? अल अहली अस्पताल पर हुए इस हमले में करीब 500 लोगों की मौत हो गई थी। हमास ने इल्जाम लगाया है कि इसराइल ने अस्पताल पर मिसाइल दागी थी जिसमें विनाशकारी स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया गया। इस बम को गाइडेड बम भी कहते हैं, जो हवा से जमीन पर गिराया जाता है और सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता है ताकि एक खास टारगेट को नष्ट किया जा सके और आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुंचे। उस तरह का एमिनेशन है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री से या प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जाता है। इसके तहत जो टारगेट है उसको रजिस्टर किया जाता है और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही हुई होती है। इसको गाइड किया जा सकता है टारगेट तक और इसको मैनूवर भी किया जा सकता है किसी हद तक। सवाल है कि ये काम कैसे करता है? जवाब सुनिए। स्मार्ट बम कंट्रोल और गाइडेड सिस्टम से लैस होता है। कुछ बमों में छोटे रॉकेट मोटर्स फिट किए जाते हैं जो बम की रेंज को बढ़ा देते हैं और फ्लाइट कंट्रोल में मदद करते हैं, जिससे ऊंचाई से गिरने पर बम अपना रास्ता न भटके। करीब 907 किलोग्राम के स्मार्ट बमों को कई तरह से हथियारों में फिट किया जा सकता है, जिसके बाद इन्हें जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन JDM सिस्टम कहा जाता है। इन बमों को US की हाईटेक फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इसराइल ने क्योंकि जितनी कैजुअलिटीज वहाँ हो रही हैं और उसकी मजम्मत विश्व भर में हो रही है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसराइल ने शायद ये स्टेप लिया है कि वो अपना जो स्मार्ट बॉम्ब्स है उनको वो इस्तेमाल करेगा, जिससे जो कोलेट्रल कैजुअलिटीज़ हैं वो कम होंगी और जो हमास के टारगेट्स हैं उनको एंगेज किया जाएगा। हालांकि इसराइल ने इस हथियार के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है, लेकिन अगर इल्जाम सही है तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने इसराइल को स्मार्ट बम दिए। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि स्मार्ट बम अमेरिका में बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, जिसका प्रोडक्शन रेथियन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन और बोइंग इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम नाम की दो बड़ी अमेरिकी कंपनियां करती हैं। दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को जंग छिड़ने के बाद अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसराइल को 1000 छोटे स्मार्ट बमों की डिलीवरी की,
इसके अलावा इसराइल के अपने स्पाइस बम भी स्मार्ट बम ही होते हैं। स्मार्ट बम की सप्लाई में अमेरिका का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि यूक्रेन को भी अमेरिका की ओर से इस तरह के स्मार्ट बम किट देने की बातें सामने आई थी और ऐसे इल्जाम रूस की तरफ से लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की, उन्हें मानवीय सहायता पहुंचाने की पेशकश भी रखी। इस बीच इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि गाजा अब उनकी पहुंच से दूर नहीं है, यानी अब गाजा में आर्मी का बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन होगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर फिलिस्तीन का क्या होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दो बार वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आया लेकिन वीटो लग गया। इस बार किसने लगाया वीटो और आखिर क्यों यूनाइटेड नेशंस इतना बेअसर और लाचार नजर आ रहा है। गाजा पट्टी में तबाही कहां जाकर रुकेगी किसी को नहीं मालूम। यहां रहने वाले बाशिंदे रोजाना ये उम्मीद करते हैं कि अब जंग बंद हो जाए, बम बारूद न बरसे, लेकिन रोज उनकी उम्मीदें टूटती हैं। जैसे ये मकान, अस्पताल और धार्मिक स्थल। गाजा में मौत का आंकड़ा तो भूल जाएगी, जख्मी ही 12,000 के पार, ऐसा यहां के प्रशासन का दावा है। लेकिन इसराइल का कहना है ये तो अभी शुरुआत है, हमास के खिलाफ असली जंग तो अब शुरू होगी। इसराइल हमास का सफाया कर देगा और इस काम में आप आगे रहेंगे, ये आसान काम नहीं है, ये एक कठिन मिशन है। ये सिर्फ एक दिन, दो दिन या हफ्ते भर नहीं चलेगा, इस लड़ाई में वक्त लगेगा। सवाल, इन लोगों का दर्द किसी को सुनाई क्यों नहीं देता, जिन पर इसराइल फिलिस्तीन के संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं? जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। न्यूयॉर्क में एक बार फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन हुआ, 3 दिन में दूसरी बार मीटिंग हुई, गाजा क्राइसिस पर बैठक हुई, रेजोल्यूशन लाया गया। पिछली बार रूस लाया था, इस बार ब्राजील की तरफ से आया। ब्राजील के प्रस्ताव में लिखा था कि आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की जाए, गाजा पट्टी में लोगों की मदद के लिए मानवीय आधार पर मदद दी जाए। इस बार 15 देश इकट्ठा हुए, इनमें से 12 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। ब्रिटेन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जब लगा कि प्रस्ताव पास हो जाएगा तब अमेरिका ने एक बार फिर प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। वजह बताई गई कि इस प्रस्ताव में कहीं भी इसराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार की बात नहीं थी। द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग इज एज फॉलोस, 12 वोट्स इन फेवर, 1 वोट अगेंस्ट, 2 अब्सटेंशंस। अमेरिका के वीटो के बाद इसराइल ने भी हमास का मुद्दा जोर शोर से उठाया। Calling for calm, restraint. संयम रखना, सीज फायर की बात करना गोली के घाव पर बैंडेड लगाने जैसा है, ऐसे हमास जैसा कैंसर खत्म नहीं होगा। सिवाय बर्बादी के जंग से कुछ हासिल नहीं होता। इसराइल में अब भी लाशें निकल रही हैं और गाजा में बम बरस रहे हैं। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन करोड़ों लोगों को आस है, उम्मीद है कि बातचीत होगी, सीज फायर होगा। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।